पासवान जा रहे हैं लालू आवास। हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, से तो क्या मतलब है? हमारा भतीजा क्यों कहता है जी? उस दिन तो कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है, वो मेरा भतीजा नहीं है। उस दिन कह दिया ओपेलनी कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से जैसे ही आपके भतीजे शब्द को पत्रकार ने सवाल के साथ जोड़ा, उसके बाद पारस आपित से बाहर हो गए। चिराग पासवान का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने पत्रकारों के सामने ये ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान उनका भतीजा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे और उसके खून में फर्क है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुकिंग किया जाता है। इसने बुकिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ, और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्याय की जांच कराई जाए। तो आप मानते हैं कि चिराग आपके भतीजे नहीं है? आप भी मानते हैं कि चिराग आपके भतीजे नहीं है? सहयोगी पार्टी आप लोग इफ्तार से दूर क्यों है? मंत्री का चेहरा कौन होगा, ऐसा चेहरा होगा कि वो देखे। भारत जी, आप लोग इफ्तार से दूर क्यों है? विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखते हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है, विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी है, सभी लोग आराम से बैठ के खाना खा के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब कुछ ना पूछिए। हाँ, राजनीति हो रही है, इफ्तार हुआ, इफ्तार है, चिराग पासवान जा रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं लालू आवास। चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, से तो क्या मतलब है? अमित शाह कह रहे हैं कि 40 सीटों पे भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में, आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं, आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन, ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, फकरवाट मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है, वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग का ऐसा पार्टी आदमी नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से, मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा हमारी पार्टी। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सभा में हूटिंग हुई, जिसका आरोप आपके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी पर लग रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए पशुपति पारस हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि चल हट, हमारा भतीजा क्यों कहता है जी? उस दिन तो कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है, वो मेरा भतीजा नहीं है। उस दिन कह दिया ओपेलनी की आपके खून और मेरे खून में फर्क है। आप देखे होंगे कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था तो इस बात पर विवाद हुआ था। मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी का गठबंधन केवल उनकी पार्टी के साथ है। बता दें कि दो दिन पहले चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चाचा उनके लिए चुनौती नहीं है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने चिराग पासवान पर तीखा जवाब दिया। वहीं उनसे ये पूछा गया कि क्या चिराग पासवान आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जाने वाले हैं, तो उन्होंने नाराजगी भरे शब्द में कहा कि चिराग कहाँ जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पशुपति पारस ने आगे कहा कि बिहार में भाजपा
40 जगह पर तैयारी कर रही है। पत्रकारों से दिमाग खोलकर बात समझ लेने की बात करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार में भाजपा की एकमात्र सहयोगी है। दरअसल पटना के मोकामा में चौहरमल जयंती मेले के आयोजन के दौरान चिराग पासवान की सभा में उबड़ी भीड़ को देखकर चाचा पशुपति पारस की नींद उड़ी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि पशुपति पारस सवालों के जवाब देते हुए काफी तल्ख नजर आए। साथ ही बीजेपी के सामने उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की एकमात्र गठबंधन वाली पार्टी उनकी है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। मैंने पहले भी घोषणा की है कि जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा तब तक मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में रहूंगा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।